कौल जी, स्वर्गीय अजीत कौल जी, जो एक ऐसे शख्सियत थी जिनके पास रंग थे, जिनके पास लेखन कला थी, और एक ऐसे जुझारू चित्रकार, कई ऐसी चीज़ें हमारे बीच छोड़ गए हैं जो उनके स्मृतियां उनको जीवित रखे हुए है। उनके चित्र यहाँ लगे हुए हैं। आज उनकी याद में, उनके स्मरण में इस संध्या का आयोजन किया जा रहा है। संध्या की शुरुआत विकास जी सितार पर हैं और आलोक जी, आकाश जी, मुझे पता नहीं कल से ये इतने आलोकित कर रहे हैं कि आलोक ही आलोक नजर आते हैं। आकाश जी दोनों प्रोफेसर हैं और तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पर संगीत को इतना घर कर लिया है इन्होंने कि अब वो दोनों तकनीक और संगीत दोनों को अपने में समा लिया है। मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए आलोक जी और आकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो आलोकित करें और विकास जी से। विकास जी MNIT में प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और महावीर स्कूल जिस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, हम एक स्कूल से हैं तो ये मुझे कल ही पता लगा। आज हमारे बीच कई ऐसी शख्सियत आए हुए हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हेमंत जी, संतोष जी पता नहीं वो स्मृति कुछ गड़बड़ है, हेम चटर्जी, नाथूलाल जी, भवानी शंकर सर, भार्गव साहब, विनय जी, पारिक साहब और अनंत जी, आप सबका स्वागत है। जोया विकास जी, भाभी जी, आप सभी का स्वागत है। मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर अर्चिता जी और मध्यांतर में हम सब का परिचय, क्योंकि ये एक इस तरह का आयोजन है जिसमें हम सब एक घर की तरह हैं, कोई इसमें इस तरह की वो है नहीं, तो सबका परिचय हम फिर बीच बीच में हम करते रहेंगे मध्यांतर में। मैं तो क्या बोलूँगी, बस आइए कुछ पन्ने पलटते हैं अजीत जी की चित्र गाथा के, और इन रंगों और रेखाओं के इस सफर को सुर दे रहे हैं हमारे साथ श्री आकाश जी और श्री विकास जी। मुझे देंगे एक मिनट को, कौन सी बाइक? गुड इवनिंग टू यू ऑल। दिस इज यू नो इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी ओवर हियर एंड टू परफॉर्म क्लासिकल म्यूजिक in front of the unique audience, I should say.
quite a few might have attended before also a classical concert. So ragas are played. I have chosen an evening raga, which is known as Yaman. There are in fact three or four components of a total classical concert, and it begins with alap, in which the artist unfolds the raga, that is Yaman, and then it will be followed by two compositions set to Teentaal. First will be Vilambit, followed by Adrutgat. And while I would play compositions, my friend Akash would join me on the tabla. So Raag Yaman, a brief alap, and then guts or the compositions they are known as. Thank you. विकास जी की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग सब अपने मोबाइल्स ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर डाल दें. थैंक यू. Thank you.
हेलो, मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो अजीत जी के बारे में संक्षिप्त उनकी कला यात्रा और उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा के बारे में बताएं। राजेश जी, मित्रों, मुझे लगता है कि अचानक से आप लोगों के बीच में खलल डालने के लिए बुला लिया गया है। हम लोग जब संगीत की निस्वर लहरियों में खो रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ बोलना जो है हमेशा ही खलल डालने जैसा ही होता है। बहरहाल, मुझे जो कि कहा गया है तो मैं कुछ न कुछ समय आपका लूँगा ही। हम लोग यहाँ अजीत कोल जी को स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं और मेरा उनसे बड़ा सघन नाता रहा है। सघन नाता इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अधिक उनसे परिचय नहीं था, लेकिन जो कला के जरिए परिचय उनसे हुआ मेरा, उसे मैं मानता हूँ बड़ा सघन एक प्रकार से परिचय था। अजीत कोल का ये चित्र भी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है स्मृतियों के किसी गलियारे में ले जाता हुआ रंग और रेखाओं से बहुत कुछ कहता हुआ सा लग रहा है। और ये उनके रंगकर्म, उनके चित्रकर्म की एक प्रकार से विशेषता भी थी। मैंने कभी उन पर एक, जब मैं कॉलम लिखा करता था नवज्योति में कला दीर्घा नाम से, उनसे परिचय नहीं था लेकिन मैंने उन पर लिखा था, उनसे बाद में संवाद भी हुआ था। दुर्भाग्य की बात रही कि कुछ समय बाद वो काल का अवलित हो गए। मैं बड़ा शॉक्ड भी हुआ इस बात को लेकर कि परिचय हुआ ही था और हमसे बहुत दूर वो चले गए। अभी मुझे कुछ दिया गया उनके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कश्मीर 3 बार गया हूँ और अजीत कोल जी का नाता कश्मीर से रहा है। उस कश्मीर से जो कभी जन्नत कहा जाता था, उस कश्मीर से जो भारत का भिन्न अंग आज भी है, कभी रहा था बहुत गहरे से, लेकिन बहुत सारे लोग निर्वासित कर दिए गए कश्मीर से, कश्मीरी पंडित जिनको हम लोग कहते हैं, उनमें से अजीत कौल भी एक रहे हैं जिनको निर्वासित कर दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कश्मीर उनसे कभी दूर गया नहीं, उनके चित्रों में कश्मीर सदा बसा रहा है। पैराडाइज लॉस्ट उनकी श्रृंखला जो आई थी उस पर मैंने लिखा था, उसके बाद बैम्बू सीरीज उनकी जो चित्र श्रृंखला आई थी उस पर भी मैंने कुछ लिखा था। और मुझे लगता है कि ये कहा गया कि चीनी कला के कुछ तत्व लेते उन्होंने बैम्बू सीरीज बनाई, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि चाइनीज कला से जो उनका कोई उन चित्रों में कुछ नाता रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके चित्रों में अतीत से एक प्रकार का अपनापा था। और हम लोग अतीत राग स्टूडियो, जो मेरे मित्र विनय शर्मा जी के स्टूडियो, उसमें बैठे, तो मुझे लगता है कि इस रूप में एक चर्चा की जानी चाहिए। अतीत एक प्रकार से स्मृतियों के पद चिन्ह होते हैं और मुझे लगता है कि तमाम जो कलाकार हैं, चाहे वो चित्रकला से जुड़े हों, संगीत से जुड़े हो, नृत्य से जुड़े हो, नाट्य से जुड़े हों, अतीत उन्हें पुनर्नवा करता है अपनी कला में। और अजीत कौल के चित्र हमेशा मुझे लगता है पुनर्नवा हम लोगों को देखने के लिए करते थे। कोई एक चित्र उनका कभी जहन में कौंधता है तो लगता है कुछ बहुत सारा छूट गया है जो शायद उनके अगली चित्र श्रृंखला में आएगा। और ये द्वंद्व जो है रंग और रेखाओं का एक प्रकार से उनके चित्रों में लगातार बना रहता है। हम लोग अभी सुन रहे थे सितार को तन्मय होकर विकास गुप्ता जी से, तो मुझे यूं भी लगा कि इनके साथ जो संगत हो रही थी तबले की, बड़ी बेहतरीन संगत, बड़ा निभाव, जिसको आपका सपना आकाश जी का जो है, बहुत ही बेहतरीन संगत जो है मुझे लगता है कि, क्योंकि संगीत आवृत्तियों का एक प्रकार से राग है, मुझे लगता है राग आ राग जो है, और आवृत्तियों में अपने आप में संगीत हर बार सुनने वाले को पुनर्नवा करता है। वही राग होती है लेकिन हम लोग जब उसको बार बार सुनते हैं तो एक प्रकार से जो महल खड़ा होता है धीरे धीरे आलाप से लेके, उस महल को बनते बनते देखते हम तो क्यों लगता है कि कहीं ऐसे स्थान पर संगीत हमें ले जा रहा है और ले जाते हुए वापस वहीं लाकर हम लोगों को छोड़ देता है। लेकिन मुझे लगता है केवल छोड़ना भर नहीं होता है, उस छोड़ने के साथ साथ संगीत बहुत सारी
उत्सव धर्मिता से जुड़ी चीजें जो हमें जोड़ता चला जाता है, हम सुन रहे होते हैं लेकिन फिर से मन करता है कि उसको गुने। और मुझे लगता है कोई भी कला जो है, चाहे चित्र भी अगर हम देख रहे हैं, रज्जा के चित्र देख रहे हैं, अजीत कौल जी के चित्र देख रहे हैं, गाय तोंडे का चित्र देख रहे हैं, उन तमाम चित्रों पर मुझे लगता है कि एक बड़ी विशेषता ये होती है कि हम देखने के बाद में उसको फिर से देखने की चाह करते हैं, और ये चाह निरंतर बनी रहती है उस कैनवस से हटने के बाद भी। मुझे लगता है किसी चित्रकर्म का ही सार्थकता भी होती है। अजीत कौल जी के चित्रों के साथ यह मुझे लगता है खास तौर से प्रतिबिंबित होता है बार बार, कि उनके चित्रों में कुछ कथा कहन सा हम लोगों को दिखाई देता है। रंग धूसरित होते हुए किसी धुंध के परिवेश में ले जाते हुए, लेकिन ये धुंध ऐसी है जैसे हम लोग उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। पहाड़ की धुंध है वहां पर, पहाड़ की नीरवता है वहां पर, लेकिन साथ साथ सांगीतिक आस्वाद भी ये चित्र कराते हैं। कुछ कड़वाहट भी आपको खुली हुई मिलेगी इन चित्रों में रंगों के जरिए, और बहुत ही बार यूं भी लगता है कि ये जो काला सा रंग सा कुछ इस तरह से उभर कर आता है, अगर वो नहीं होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन भी कुछ ऐसा ही है जिसमें खट्टी मिट्टी यादें अगर जुड़ी होती है तो नीरस नहीं होता है, सरस होता चला जाता है। और तमाम जो कलाएं उसके साथ भी मुझे लगता है यही होता है कि अगर वहां पर कुछ कड़वाहटें, कुछ सुनहरी यादें जो है नहीं जुड़ी होती है तो अपनी सार्थकता को प्राप्त नहीं करते हैं। अजीत कौल के चित्र मुझे इसलिए भी अच्छे भाते हैं कि उन्होंने अपना दर्द जो है बहुत से स्तरों पर इसमें बयां किया है, उस स्थान से छूटने का दर्द जो कभी उनका था, उन लोगों से छूटने का दर्द जो कभी उनके थे। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी बात यह भी है, कलाकार कड़वाहट को पिए नहीं रहता है, अपने चित्रों के जरिए एक सुकून के परिवेश में उसे रूपांतरित भी कर देता है। और बैम्बू सीरीज के उनके जो चित्र थे मुझे लगता है बिल्कुल दूसरी तरह के चित्र रहे हैं, हालांकि उसकी एक माध्यम जो है बैम्बू सीरीज का अलग माध्यम रहा है उनका, जो पूर्व के जो उनके चित्र हैं उनका वैसा माध्यम नहीं रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रकार से जैसे अज्ञेय के कविता संग्रह की बात करें, कितनी नावों में कितनी बार, बहुत सी बार उन पर आरोप लगा कि यह अध्यात्म से जुड़ी कविता है और अज्ञेय जो है अध्यात्म की ओर मुड़ गए हैं। मुझे लगता है कि अजीत कौल की पैराडाइज लॉस्ट के बाद की जो श्रृंखला वैभव श्रृंखला जो थी वो ठीक वैसा ही रूपांतरण है कि जो स्मृतियों का अपनापा है वह एक बीज के रूप में वापस अंकुरित हुआ। और वो जो बैम्बू सीरीज उनकी जो सामने आई, उभर कर जो सामने आई, उस श्रृंखला में बहुत सारे चित्र इस तरह के रहे हैं जो एक भविष्य की उम्मीद जो है, भविष्य की जो आस है, उसको हमारे समक्ष उद्घाटित एक प्रकार से वो चित्र करते रहे हैं। मुझे लगता है कि चित्रों पर अगर मैं बोलना प्रारंभ करूंगा तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सुखद है मित्रों कि हम लोग अतीत राग स्टूडियो में कलाओं के अंतर संबंधों को भी एक प्रकार से जी रहे हैं। और कोई भी कला जो है किसी दूसरी कला से मिले बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। हम लोग सभी जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, विष्णु धर्मत्व पुराण का जो प्रसंग ऋषि मार्कंडेय का और राजा वज्र का जो है संवाद का, कि राजा मूर्ति बनाना चाहते हैं तो कहते हैं मूर्ति के लिए चित्र का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, चित्र समझा दीजिए, चित्र के लिए संगीत का ज्ञान जरूरी है, संगीत समझा दीजिए, संगीत के लिए नृत्य का ज्ञान जरूरी है, नृत्य समझा दीजिए, नृत्य के लिए आतोध्य यानी वाद्य यंत्र का ज्ञान जरूरी है। और इस तरह से ये श्रृंखला चलती रहती है। मूल उसका यही होता है कि हर कला किसी दूसरी कला से मिलकर पूर्णता को प्राप्त करती है, और शायद इसीलिए अपने यहाँ पर जो है कलाओं की वैदिककालीन संज्ञा शिल्प कही गई है। शिल्प का मतलब नृत्य नाट्य तमाम जो कलाएं हैं। और मुझे लगता है हम लोग जब संगीत को भी सुन रहे थे, मैं विद्यासागर जी से बात कर रहा था, बहुतेरी बार यूं लगता है कि बस यहां जो है ये आवृत्ति चरम पर पहुंच गई है और अब हम लोग समापन की ओर बढ़ गए हैं। लेकिन ठीक उसी समय जो है एक अलग अंदाज में जो है सितार के सुर हम लोगों से एक प्रकार से झंकृत होते नाता करते हैं और हम किसी और मोड़ पे चले जाते हैं। मुझे लगता है कलाएं, तमाम जो कलाएं हैं वो यही करती है, आवृत्तियों में सुनने वालों को, देखने वालों को पुनर्नवा एक प्रकार से कलाएं करती है। बहरहाल यह जो श्रृंखला, इसका
आगे कौन करें? भार्गव मिस्त्री जी का सरोद वादन हम लोग सुनेंगे। एक बार पहले भी हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे और भार्गव मिस्त्री जी को सुना था। सितार के बाद सरोद को सुनना मुझे लगता है अपने आप में एक अलग और विरल अनुभव से साक्षात होना एक प्रकार से होगा। बहुत सारे मित्र मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हिम चटर्जी जी और बहुत सारे और भी लोग हैं। मैं नाम लूँगा तो मुझे लगता है कि शायद कलाओं से जुड़ी दूसरी चीज़ें लोप होती चली जाएगी। बहरहाल फिर से अतीत राग स्टूडियो में हम साझा होते हैं। 5 मिनट विकास जी और लेकिन 5 मिनट कहना मुझे लगता है ठीक नहीं लगेगा। विकास जी के सितार से हम लोग रूबरू होते हैं। अश्विनी दलवी जी यहाँ विराज रहे हैं और उनका हम लोग जब सुनते हैं अश्विनी दलवी जी को जो है बिल्कुल विरल वाद्य जो है उनसे साक्षात अश्विनी दलवी जी अपने कराते रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक दिन अश्विनी दलवी जी को जो फिर से हम लोग सुनना यहाँ पर चाहेंगे। फिर से विकास गुप्ता जी के सितार को सुनने के साथ आगे बढ़ते हैं भार्गव मिस्त्री जी को सुनने की ओर। धन्यवाद राजेश जी। Thank you.
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस प्रस्तावना पर आप लोग यहाँ आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इस शाम को इतना सुंदर बनाया। मैं हालांकि बहुत छोटी हूँ, कला जगत से बहुत परे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जितना कुछ भी रंगों का ज्ञान मिला वो अजीत जी से, जो रिलेशन में मेरे मौसा जी हैं, उनसे ही मिला है। और रंगों के या कला के बारे में जितना भी मैं जानती हूँ वो उनसे ही सीखा है। उन्हीं की लिखी हुई एक कविता है जो आज मुझे आपके सामने सुनाने का अवसर मिल रहा है। कविता है, अक्षर चुरा ले गया कोई। अक्षर चुरा ले गया कोई मेरी जिंदगी की कहानी से, कुछ खास अक्षर चुरा ले गया कोई मेरी जिंदगी की कहानी से। बेजान लगती है कहानी, बेमतलब बेमानी, अरे गलती से उस किताब के पन्नों पर कुछ पानी बह गया, उस किताब के पन्नों पर कुछ पानी बह गया, और मालूम नहीं वो अपने साथ कितने अक्षर बहा ले गया। कुछ इसी निर्ममता के साथ वक्त ने हमसे बहुत जल्दी, श्री अजीत कौल जी को हमसे चुरा ले गया वो वक्त। किंतु उनके साथ बिताए हुए जितने भी क्षण थे वो हमारी स्मृति में हमेशा 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 उनका आशीर्वाद बन के हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबको जिस क्षण का सबसे बेसब्री से इंतज़ार था, मैं निवेदन करूंगी मिस्त्री साहब से कि वे पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय मिस्त्री साहब, नमस्कार। इतना अच्छा सितार वादन सुनने के बाद ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर फिर भी आज मैं एक बहुत अलग अंदाज से ये सरोद की सरोद सुनाऊंगा, एक श्रद्धांजलि के रूप में अजीत कौल साहब, इनका इतना अच्छा का मतलब पेंटिंग और आर्ट्स जो है, और पूर्णिमा जी आप सबके लिए है ये। मैं बहुत कम बजाऊंगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं अभी तो, और ये श्रद्धांजलि के रूप में तीन चार कॉम्पोजिशंस हमने बनाए हुए हैं वो मैं पेश करूंगा अभी, शॉर्ट कॉम्पोजिशंस, दे आर डेडिकेटेड टू अजीत साहब। एक का नाम है स्मृतियां और एक है मनन करना, कॉन्टेम्पलेशन। एक कॉम्पोजिशन है सुकून और हाँ, तो चार हो गए, राइट। सो मैं शुरू करूंगा सुकून से, जो थोड़ा बहुत राग किरवानी से जुड़ा हुआ है।
इसमें हम रिदम की कोई संगत नहीं है, तो जस्ट एक हमारा कॉम्पोजिशन है वो पेश करूँगा मैं। सुकून
राग खमाज से जुड़ा हुआ, मतलब बिल्कुल राग खमाज नहीं हुआ, थोड़ा झंझोट भी आएगा, पर उस वही मतलब स्वरों में मनन का एक कॉम्पोजिशन है, वो भी एक कॉन्टम्पलेशन मतलब ऐसे ही स्मृति श्रद्धांजलि काफी और बिम्पलासी से जुड़ा हुआ एक और कॉम्पोजिशन पेश करूंगा जिसका नाम हमने दिया है स्मृतियां। ये भी आपके लिए स्वीट मेमोरीज। Thank you.
और अंत में श्रद्धांजलि।
बहुत बहुत धन्यवाद मिस्त्री जी, आपकी इन तरंगों ने जो यहाँ एक बिना धड़कने वाली इन बेजान चीज़ों में जो तरंगे भरी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, विकास जी का, आकाश जी का, मुझे पता है आज आपकी, आप स्वस्थ हैं पर कुछ थोड़ी बहुत कुछ परेशानी थी, पर फिर भी आपने पूर्णिमा जी के और हमारे आग्रह को स्वीकारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हमारे बीच, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई महान हस्तियाँ विराजित हैं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी का भी आभारी हूँ, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। डॉक्टर व्यास देश के जाने माने कला समीक्षक, कवि, और अभी हाल ही में इनको साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं ऐसे मित्रों को पाकर। हमारे बीच हिम जी हैं, हिम चटर्जी, वर्मा जी, संतोष वर्मा जी, नाथुलाल जी, परम सद्रेय गुरु जी, डॉक्टर विद्यासागर जी, भवानी शंकर जी, मैं सभी का क्या कहूँ, जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। पारिक साहब और अन्य सभी जो आग्रह पर यहाँ पधारते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो निश्चित रूप से अजीत जी ये सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप में देख रहे होंगे, कलाकारों की ओर से उनको ये विनम्र श्रद्धांजलि। आज हमारे बीच एक नन्ही कलाकार, आप सब लोगों ने इसको देखा होगा, जोया शाह जी ड्रामेबाज, उसमें फाइनल में पहुंची और अभी कई फिल्मों में ये किरदार निभा रही है, मुख्य भूमिका भी निभा रही है। ये खुद बताएगी, बताओगी, खुद बताएगी किन किन फिल्मों में और अभी हाल ही में क्या कुछ नया होने वाला है। जोया, मैं जोया शाह, मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। कल जिफ में पूर्णिमा मैन द्वारा डायरेक्टेड मूवी सीप में मोती का प्रीमियर है, तो उसमें इस स्टूडियो के भी कुछ सीन्स हैं और उसमें मेरा मुख्य किरदार है और उसमें विनय सर ने भी अभिनय किया है। और ये एक मैसेज मूवी है और इसमें दिखाया गया है कि एक गांव की लड़की, कच्ची बस्ती में रहने वाली, कैसे अपने जो वो करती है, जो उसमें कला है, वो आगे बढ़ाती है। तो मैं आपसे, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप कल वहाँ जाइए और हमारा मान बढ़ाइए। थैंक यू। हाँ, आज का इसने वो किया ना, देखा ना तो, अरे हाँ। एक इनका छोटा भाई ये भी एक्टर है। हाँ, डायलॉग सुनाओ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है विवान शाह है। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। मिसेज शाह और शाह साहब दोनों ने इनको तराशने में बहुत, मतलब अपना सब कुछ, जो जितना भी समय इन दोनों को देते हैं, पर ये जयपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि कितने अच्छे होनहार कलाकार जयपुर दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को भी। पारिक साहब यहाँ विराज रहे हैं, ये भी एक अपने आप में हस्ती हैं। अभी कल ही इनका लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में 150 ऐसे टाइप राइटर हैं जो बिल्कुल सही हालत में इनके पास हैं। और मैं भी
गया था अभी 2-3 दिन पहले, तो मैं भी एकदम आश्चर्यचकित रहा किस किस तरह के बिना आवाज़ करने वाले टाइप राइटर जो सेना में काम में आते थे, जिसमें टक टक की भी आवाज़ नहीं हो और टाइप करके मैसेज छोड़ें, इस तरह के टाइप राइटर आपके पास मौजूद हैं। और इन्होंने मुझे एक प्रोजेक्टर दिया 16 mm का, गिफ्ट कल ही दिया, परसों के दिन, और वो बिल्कुल चालू हालत में है। कभी उसका भी प्रदर्शन करेंगे, उससे फिल्म दिखाएंगे 16 mm की, वो फिल्में नहीं मिल रही हैं, तो वो फिल्में ढूंढ रहे हैं पर इस स्टूडियो में हमारे मित्र बाल सखा कहें तो वो हो गया 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के साथी अजय जैन के फिल्म डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी इस स्टूडियो पे काफ़ी लंबी एक फिल्म बनाई है, कॉल फ्रॉम द पास्ट, जिसमें एक चित्र किस तरह इन चीज़ों से बातें करता है सजीव होकर, तो एक कल्पना थी इनकी और एक बहुत अच्छी तरह से उसको इन्होंने चित्रण किया है। आप सभी का बहुत बहुत आदर।